नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एमसेट के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे पोजीशन। तो चलिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक किया और मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया और यहाँ पर मैं कुछ टैक्स ले लेता हूँ दोस्तों। टेक्स्ट मैंने ले लिया, इसको चलिए मैं दो पेज में टैक्स, तीन चार पेज में टैक्स ले लिया हूँ। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट में, जाता हूँ पिक्चर में, जाता हूँ दिस डिवाइस में जाता हूँ और मैं फ़ोटो डेस्कटॉप पर, मैं डेस्कटॉप से पिक्चर पर रखा हुआ हूँ और मैं यहाँ से वो पिक्चर को मैंने ले लिया। एक पिक्चर मेरे पास नीचे है, पिक्चर मेरे पास ऊपर, इसको मैं छोटा करता हूँ। इस पिक्चर को मैं कट करके नीचे वाला पर पिक्चर पर मैं पेस्ट करता हूँ। इस पिक्चर को मैं ऊपर रख रहा हूँ, यहाँ से मैं 100% कर दे रहा हूँ, क्या पास स्पष्ट दिखाई दे। चलिए इंसर्ट में है क्या, फॉर्मेट में जाएंगे, पोजीशन यहाँ पर देखिए क्लिक किया, चित्र के अनुसार आप देखिए नीचे सब टेक्स है और ऊपर यहाँ पर इसको बोलते हैं टॉप लेफ्ट पोजीशन। इन टॉप लेफ्ट में है मेरे पास फोटो, यहाँ पर रखेंगे तो टॉप सेंटर में है। पिक्चर के अनुसार देखिए यहाँ पर जो निशान, इस तरह से आप खुद आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर आएगा। इसी तरह से राइट पर क्लिक करेंगे इधर, यानी कि राइट पर जाएगा और इधर से आपको क्लिक करेंगे तो आपको मिडिल आपको नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि पिक्चर को पूरा हम लोग देखेंगे तब नज़र आएगा कि पिक्चर मेरे पास अब आपको पूरा नज़र आएगा। यहाँ से देखिए बीच में आ जाएगा, यहाँ से जैसे लास्ट में बॉटम, इस तरह से, इस तरह से जहाँ पर रखिएगा वहीं पर हम वापस शुरू में इसको रख दे रहे हैं फर्स्ट में। चलिए पोजीशन वाला आप समझ गए होंगे। पोजीशन के बाद हम लोग का यहाँ पर जब मोर लेआउट में आएंगे, इसको मैं आगे मैं आपको बताऊँगा ये ऑप्शन क्या है कि आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सवायर पर क्लिक किया है तो बोर्ड साइड लेफ्ट साइड यहाँ से भी आप चेंजिंग इसको कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आगे मैं इसको बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए इन लाइन विथ टेक्स्ट, जहाँ पर ये आपको कर्सर रहेगा देखो वहाँ पर से लाइन इसका शुरू कर देगा। जैसे मेरे पास से इसको पहले देखिए इन लाइन विथ टेक्स्ट यहाँ से कर दिया इसको, इसको नीचे आएंगे एक्सक्वायर, एक्सक्वायर जब कर दीजिएगा एक्सवायर मतलब क्या होता है, पूरा ये जो चरखू टाइप के एक्सवायर बोलते हैं, इस तरह से आपका टेक्स्ट आपको रहेगा। आप ये फोटो इधर लेकर जाइएगा तो आपको ही जाएगा, फोटो इधर लेकर जाएगा लेकिन एक्सवायर में जाएगा, एक्सवायर में जाएगा। और ये क्या करता है इन इन लाइन विथ टेक्स्ट, ठीक ना, यहाँ जहाँ पर कर्सर हो जाएगा वहीं पर आपको फिक्स हो जाएगा लेकिन फोटो इधर आपको जा नहीं पाएगा, कठिनाई होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसे किए इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो ये आपको कर्सर तक जहाँ था वहाँ से फोटो शुरू किया, देखिए नीचे एक लाइन लिया है लेकिन फोटो इधर जाएगा नहीं, लेकिन इस पर क्लिक कीजिएगा एक्सवायर पर तो फोटो इधर भी आपको जाएगा जहाँ, लेकिन एक्सवायर में जाएगा, देखिए चारों पट से एक्सवायर में जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे, ये देखिए टैग दोनों इसी तरह से काम करता है। उसके बाद नीचे आएंगे, ये देखिए कुछ कुछ फोटो को हम लोग देखिएगा, ये दोनों ऑप्शन जो था एक्स वायर और जैसे टाइट थ्रू, ये दोनों ऑप्शन को हम लोग एक नीचे में फोटो रखा हूँ उस पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास फोटो इस पेज में मैंने लाके रखा है, इस पेज दोनों में अंतर क्या है आपको मैं बताता हूँ। चलिए देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, एक्सपायर में जब फोटो रहेगा तो आपको एक्सपायर में रहेगा तो चरखूट आपको आएगा और जैसे आप मैंने इस पर क्लिक कर दिया टाइट पर, अब देखिए एक्सपायर से हट गया, जहाँ इसको मिला जगह ये आपको अंदर आया, ये फोटो PNG है, ठीक है ना। और ये फोटो हमारे पास बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड है, तो देखिए यहाँ पर एक्सवायर पर आया। अगर ये ऑप्शन को मैंने कंप्लीट
करूँगा फिर भी कोई असर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड आ गया है ना, और यहाँ पर इस ऑप्शन का असर करेगा क्योंकि PNG यहाँ पर बैकग्राउंड है नहीं। इसी इसका अंतर है, देखिएगा कि एक्सपायर में कर देंगे तो ये वैसे ही फिर हो जाएगा, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अंतर आ गया, दोनों में फर्क है, इसलिए इसको मैंने पिक्चर को लेके आपको आया था, देखिए दोनों ऑप्शन का। उसके बाद देखिएगा टॉप, देखिएगा टॉप एंड बॉटम, ऊपर आपको चला जाएगा ठीक है, जब ऊपर की जगह तो ऊपर हो जाएगा लेकिन अभी आपको टॉप में चला जाएगा। और जब बिहाइंड टेस्ट में क्लिक कीजिएगा आपको तो फोटो अंदर हो जाएगा, उसका पिक्चर आपको पिक्चर अंदर हो जाएगा, उसको जो लिखा जो लिखे हैं उसके बाद ऊपर हो जाएगा, ऐसा लेटर वगैरह में सब रहता है। उसके बाद आते हैं इन, देखिएगा इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट, ऊपर में आपको फोटो आ जाएगा, नीचे आपको क्या हो जाएगा टेक्स्ट चला जाएगा। उसके बाद देखिए एडिट वार्प पॉइंट, इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट को इधर उधर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इच्छा है कि इतना इधर कर दें, ये लेटर तरह से हट जाए, इधर से इधर कर दें, इस तरह आप कर सकते हैं, इस तरह से इसमें पॉइंट एक आ जाएगा जितना आप सराहना चाहते हैं। जब न्यूज पेपर पर इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे न्यूज पेपर पर जब प्रिंटिंग होता है ना तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ऐसा न्यूज पेपर ऊपर में आप देखते होंगे, जैसे ऐसा पेज न्यूज पेपर में आप देखते होंगे, ऐसा यहाँ पर लेटर ऐसा लग जाएगा, यहाँ से आपको लिखने वाला होगा, ऐसा देखे होंगे ठीक है। तो इस ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते थे, इस ऑप्शन से हम आपको इच्छा अनुसार देख के लेटर को आगे पीछे इसका इसे धकेल सकते थे, वापस ला सकते थे ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हो गया एडिट पॉइंट, अब आते हैं मोर विथ टैक्स पर ठीक है ना, मोर विथ टैक्स पर भी आपको उसी तरह से आप काम कर सकते हैं, इससे पहले आपको किए थे। उसके बाद आपको फिक्स टू पोजीशन, आपको फिक्स टू पोजीशन कीजिएगा तो सब हट के फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोर लेआउट पोजीशन, ये आपको अच्छा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से जो भी आपको आपको इच्छा अनुसार, जैसे आपकी इच्छा अनुसार आपको यहाँ से तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मोर पोजीशन से इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको बताए थे इन, देखिए इन इन लाइन विथ टैक्स करला पर सबसे ऊपर आपको आपको फोटो आपको चला जाएगा, चला गया टॉप में, लेकिन फोटो इधर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके मदद से आप यहाँ पर से चला गया। इसके बाद में एक्सपायर करेंगे तो देखिए इस तरह से एक्सपायर में हो जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे अभी बोथ में है लेफ्ट में करते हैं, लेकिन लेफ्ट का लेटर यहाँ से हट गया, ये नीचे आते हैं और फिर राइट में, तो राइट में है ये है, लेकिन राइट में लेटर आपका ही नहीं रहेगा, देखिए राइट में हमेशा लेट, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे बीच में मैं इसको रखा और जाता हूँ, देखिए अभी मेरे पास देखिए लेफ्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट में लेटर आ गया, लेकिन राइट में लेटर इसका नहीं रहेगा ठीक है। और जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँगा राइट में, तो राइट में लेटर आपको जैसे राइट में लेटर रहेगा, लेफ्ट में लेटर नहीं रहेगा, देखिए फिर से बताता हूँ, लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्लिक किया तो लेफ्ट में लेटर रहेगा लेकिन राइट में लेटर नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आपको राइट में करेंगे तो राइट उसी प्रकार से आपको काम करेगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ऑप्शन को यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई छेड़छाड़ आपके पास हो गया है तो सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन को फिर अलग ढंग से आपको कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।